आई है। दुनिया चला दूंगा पापा। हम रहें या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल के छठे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सातवें दिन के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। वहीं बात करेंगे श्याम बहादुर के छठे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं विक्की कौशल के श्याम बहादुर के छठे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके ओपनिंग डे के इंडिया नेट कलेक्शन की। तो 6,25,00,000 के साथ शुरुआत की थी। वहीं सैटरडे दूसरे दिन का इंडियन नेट कलेक्शन की बात करें तो 9,00,00,000 की कमाई की थी। वहीं संडे तीसरे दिन का कलेक्शन अगर देखा जाए तो ग्रोथ देखने को मिला और 10,30,00,000 की कमाई की। वहीं मंडे चौथे दिन का कलेक्शन पर नज़र डालें तो इसमें गिरावट देखने को मिला क्योंकि वर्किंग डे होने कारण 3,50,00,000 की कमाई की। वहीं पाँचवें दिन का कलेक्शन भी 3,50,00,000 रहा। वहीं आज का अगर कलेक्शन देखा जाए वेडनेसडे का छठे दिन का तो 3,30,00,000 की कमाई करी है। तो अपना जो कि कलेक्शन है मेंटेन कर रही है अपने जो कि वर्किंग डे में। टोटल अगर 6 दिनों में टोटल इंडियन नेट कलेक्शन हो जाता है 35,85,00,000 रुपए। वहीं वर्ल्ड वाइड 50,00,00,000 की कमाई कर चुकी है। तो वहीं अब बात कर लेते हैं एनिमल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा। वहीं इस फिल्म के लीड रोल में आपको रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और विलन के रूप में आपको लॉर्ड बॉबी देओल दिखने वाले हैं। वहीं बात करते हैं इस फिल्म का जो कि बजट है मात्र 100,00,000 है जो कि अपने 3 दिन के कलेक्शन से ही पूरा कर चुकी है। तो अब इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अगर नज़र डालें तो इसके फर्स्ट डे के अगर इंडियन नेट कलेक्शन की बात करें तो 63,80,00,000 के साथ सिर्फ इंडिया से ही शुरुआत की थी, जिसमें से हिंदी कलेक्शन था 54,75,00,000। वहीं तेलुगु से जो कि 8,55,00,000 की कमाई की थी और तमिल, कनाडा और मलयालम मिलाकर 50,00,000 की कमाई की थी। वहीं बात करते हैं इसके सैटरडे दूसरे दिन के इंडियन नेट कलेक्शन की तो 66,27,00,000 की कमाई की। वहीं हिंदी कलेक्शन था 58,37,00,000, तेलुगु कलेक्शन 7,30,00,000 और तमिल, कनाडा और मलयालम से 60,00,000 की कमाई की। वहीं संडे तीसरे दिन के इंडियन नेट कलेक्शन पर नज़र डालें तो 71,46,00,000 की कमाई की संडे था। इस कारण से इसमें ग्रोथ देखने को मिला और इसमें से हिंदी कलेक्शन ही 63,46,00,000 की कमाई रही और तेलुगु से 7,30,00,000 की कमाई की और तमिल, कन्नाडा और मलयालम से 70,00,000 की कमाई की। वहीं अगर मंडे वर्किंग डे चौथे दिन का इंडियन नेट कलेक्शन पर नज़र डालें तो 43,96,00,000 यानी कि करीब करीब 44,00,00,000 की कमाई की, जिसमें से हिंदी कलेक्शन था 40,00,00,000 रुपये, तेलुगु कलेक्शन 3,50,00,000 और तमिल, कन्नाडा और मलयालम मिलाकर 40,00,000 की कमाई की। वहीं अब बात करते हैं पाँचवें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन की, जिसमें गिरावट देखने को मिला थोड़ा सा और 37,47,00,000 की कमाई की, जिसमें से हिंदी कलेक्शन रहा 34,00,00,000 रुपये, तेलुगु से 3,10,00,000 की कमाई की, तमिल, कन्नाडा और मलयालम मिलाकर करीब करीब 35,00,000 की कमाई की। वहीं अगर आज का कलेक्शन देखा जाए छठे दिन का तो करीब करीब 30,00,00,000 के आसपास की कमाई कर रही है अपने छठे दिन। टोटल कलेक्शन हो जाता है 313,00,00,000 सिर्फ इंडिया से। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर नज़र डालें तो 525,00,00,000 से भी ज़्यादा की कलेक्शन अपने मात्र 6 दिनों में ही पूरा कर चुकी है। वहीं बात करते हैं अब सातवें दिन के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। तो अभी तक देखा जाए तो 2,01,000 टिकट जो कि सोल्ड कर चुकी है, जिससे कि कलेक्शन पर अगर नज़र डाले तो 4,00,00,000 के आसपास की कलेक्शन कर चुकी है। अभी इसमें जो कि बढ़ोतरी होगा क्योंकि ये अर्ली एस्टिमेट है और आगे चल के जो कि 5-6 घंटा और बाकी है तो यहाँ पे बढ़ सकते हैं इसमें कलेक्शन भी, तो करीब करीब 7,00,00,000 के आसपास यहाँ पर जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि एनिमल अपने सातवें दिन कितना कलेक्शन करने वाली है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।